गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड एसएसटी। क्लास सेकेंड एसएसटी में आप लोगों ने चैप्टर 14 रीड किया है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड्स, जिसमें लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडीज के बारे में बताया है। लैंड फॉर्म्स में प्लेन्स, हिल स्टेशंस, वैली एंड प्लेट्यू, डेजर्ट और फॉरेस्ट, इन सब के बारे में बताया है। और वाटर बॉडीज में लेक, रिवर, ओशियंस, इन सब के बारे में, सीज, इन सब के बारे में बताया है। तो इसका क्वेश्चन ए मल्टीपल चॉइस आपने कर लिया है, बी भी कर लिया और सी भी कर लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर्स में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ, इट मीन्स जो अर्थ है वो किससे बनी हुई है। आंसर है द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। तो अर्थ जो है वो लैंड और वाटर दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। नेम द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ। अर्थ के जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आपने रीड किए हैं वो बताइए। तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ आर प्लेन्स, प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स, वैली एंड प्लेट्यू एंड डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। ओके, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, यहाँ एंड नहीं लगाना आपको, डेजर्ट उसके बाद में एंड लिखना है, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। ओके, तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ आर प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स, वैली एंड प्लेट्यू, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ पे। ओके, नाउ क्वेश्चन थ्री है, व्हाट आर हिल स्टेशंस। हिल स्टेशंस क्या होते हैं। लैंड एट सम प्लेसेस इज हायर देन प्लेन्स, मतलब जो अर्थ है, जो लैंड है, जो प्लेन होता है, लेकिन कुछ प्लेसेस पे वो प्लेन से ऊपर उठा हुआ होता है। सच हाई एरियाज आर नॉन एज हिल स्टेशन। इस तरह के जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है लैंड से, उसको हिल स्टेशंस बोलते हैं। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा रहता है। ओके, ये आपको लिखना नहीं, आपको ओनली हिल स्टेशन क्या होते हैं। तो लैंड से ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है उसको हिल स्टेशंस बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन फोर है, व्हाट इज लेक। लेक क्या होती है। तो आंसर है, व्हेन वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन अ लार्ज एरियाज ऑफ लैंड इट इज कॉल्ड अ लेक। मतलब जब वाटर है, बारिश होती है या हिल्स से बहकर आता है वाटर, जो लैंड पे बहुत सारे लार्ज एरिया में कलेक्ट हो जाता है, उस कलेक्टेड वाटर को लेक कहते हैं। कलेक्ट वाटर जो होता है उसको लेक बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।